आज हम बनाने जा रहे हैं मूली और पालक का साग। इसमें हमने आधा किलो पालक लिया है, उसको चुन के अच्छे से वॉश करके हमने रख लिया है। उसके बाद हमने आधा किलो मूली ली है, उसको भी हमने इस तरह से टुकड़े छोटे छोटे कर लिए और उनको धो के रख लिया है। इस साग में हमने मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करना है, उसको भी हमने अच्छे से चुन के धो के रखा है। इसमें हमारे को बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करना है, जैसे नमक, हींग और सूखी लाल मिर्च। हम एक कुकर का ढक्कन उठा के देखते हैं, हमने दबा के देखेंगे कि मूली हमारी गल चुकी है। साथ ही हम पालक का भी हम ढक्कन उठा के देखते हैं, तो पालक भी हम देखेंगे कि वो गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो मूली पालक का जो पानी है, ये पानी हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हम छान लेंगे। इस तरह से हम इसमें से सारा पानी जो है वो निकाल देते हैं। अब हम ये पैन ले लेंगे जिसमें हमने पालक को थोड़े से पानी के साथ ब्लांच किया था। हमने इनको पीसना नहीं है, हमने इनको क्रश करना है, पालक को भी और मूली के पत्तों को भी। हम मूली और मूली के पत्तों को भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं और अच्छी तरह से इनको क्रश करते हैं। पालक और मूली को हम इस तरीके से क्रश करके, बहुत ज़्यादा नहीं पीसते, थोड़ा सा हमने इस तरह से दरदरा सा रखना है। इसके बाद हम पैन ले लेते हैं और इसमें कम से कम 4 बड़े चम्मच तेल के डालते हैं। जैसे हमारा तेल गर्म होता है तो हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग डालते ही, जैसे हींग हमारा अपना जो फ्लेवर है वो तेल में छोड़ देता है, तो ये पालक मूली का जो साग जो हमने क्रश किया था वो हम पैन में डाल देते हैं। इसी के साथ हम एक स्वादानुसार नमक, इतने से पोर्शन में हम 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हम और कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, तो हम 3 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाए। ये जो सब्ज़ी है इसमें मसाले बहुत कम होते हैं, बट इसमें टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से हम पैन को सिम करके इसको ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका लिड उठा के देखते हैं। हमारा जो पालक मूली की सब्जी है वो तैयार हो गई है। जिनको बहुत कम मसाला खाने की आदत है या बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, उसके लिए ये जो पालक की सब्ज़ी है ये परफेक्ट है।